बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद और उनके बेटे सहित उनके परिवार के कई लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। फेसबुक पेज पर खुद हाजी फजल रहमान ने इस बात की जानकारी दी है। पिछले कई दिनों से कई लोगों से मुलाकात कर रहे थे हाजी फजल रहमान। सहारनपुर से हाजी फजल रहमान अभी बहुजन समाज पार्टी के सांसद है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर से सांसद हाजी फजल रहमान ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि मैंने और मेरे बेटे अल्ताफ रहमान और मोनिस रजा ने कोविड-19 कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था। दुर्भाग्य से हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हम तीनों सेकुल हिंद मौजलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए हैं। अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर स्टाफ हमारा बेहतर उपचार कर रहे हैं, इसके लिए उनका भी धन्यवाद। आपकी दुआ और आशीर्वाद बने रहे। आपको बता दें कि सहारनपुर से हाजी फजल रहमान अभी बहुजन समाज पार्टी के सांसद है। पिछले लॉकडाउन काल के अंदर ये लगातार लोगों की मदद करने में जुटे हुए थे और बताया जा रहा है कि इनके भतीजे में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव के संक्रमण पाए गए हैं। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी दी गई है, जबकि खुद हाजी फजल रहमान ने बताया है कि वो और उनके दो बेटे कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन काल के दौरान हाजी फजल रहमान लगातार गरीब मजलूम लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों को घर घर तक खाना पहुंचाने का भी काम कर रहे थे। एपीवी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, सहारनपुर।